Hey guys, welcome back to my channel. If you're new here, then hi. My name is Tanita Bhattacharjee and आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी ट्रेंड्स. हाँ, वायरल ज्वेलरी ट्रेंड्स. तो इस वाले वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि क्ले से ज्वेलरी ट्रेंड्स तो आपने बहुत बार देखा है, बट कभी देखा है पेपर से ज्वेलरी ट्रेंड्स? हाँ, पेपर से ज्वेलरी ट्रेंड्स बनाऊंगी और हैंडमेड क्ले से ज्वेलरी ट्रेंड्स बनाने वाली. तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Hey guys, आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसके लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी. फर्स्ट, जो ज्वेलरी क्ले ट्रिक का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है बिकॉज इसके लिए सिर्फ लगेगा फेविक्रिट का क्ले. तो प्रोसेस को देखते रहो, बहुत ही ज़्यादा आसान है. मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. तो गाइज, यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात बताना भूल गई थी. फेविक्रिल का जो क्ले का पैकेट होता है उसमें रेजिन और हार्डनर दो चीज़ें होता है. रेजिन और हार्डनर को आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा. अगर नहीं किया तो बाद में जाके वो टूट भी सकता है. तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से एक लाइक कर देना और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो. जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो. तो गाइज, इस वीडियो में मैं जो जो ज्वेलरी ट्रे बनाने वाली हूँ उस सब का जो एंड रिजल्ट होने जा रहा है वो मैं सब लास्ट में एंड में दिखाऊंगी. तो
प्लीज स्किप मत करना, वीडियो को देखते रहो। हाँ, सेकेंड जो मैं ज्वेलरी ट्रे बनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज इस ज्वेलरी ट्रे को बनाने में मुझे बहुत दिन लग गए हैं। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मैं बोल दूँगी कैसे बनाना है। तो आपको फ्लावर लेना है, कॉर्नफ्लावर। आप जितना बनाना चाहते हो, जितना बड़ा ट्रे बनाना चाहते हो उतना ही फ्लावर रखना, और पानी, ग्लू, और उसके साथ आप लोग चाहो तो मैदा या आटा भी ले सकते हो। ये मैं दो बार बना चुकी हूँ, दो बार ही। एक बार प्रो लेकर उड़ गया मेरा ज्वेलरी ट्रे, और एक बार मेरे पापा के हाथ से गिरकर टूट गया। अगर गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ। और इस वीडियो के बाद जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो कर लो। तो गाइस ये जो होममेड क्ले ट्रे है इसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, प्लीज़ तो देखना रिजल्ट लास्ट में। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पेपर से क्ले ट्रे। ये बहुत ही आसान होने वाला है, बट मेरे लिए उतना आसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने गलती किया है जो मैं बताऊँगी तो आप लोग नहीं करना वो गलती। तो इसके लिए मैंने किया है क्या, एक पेपर ले लिया है, न्यूज़पेपर। आप चाहो तो कोई भी आप यूजेस पेपर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है पुराना, तो उसको अच्छे से कटिंग कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पानी में धोकर रख दिया है 1 to 2 hours के लिए। और उसके बाद मैंने अच्छे से उसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो गलती मैंने किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो कागज़ है वो थोड़ा भीगा भीगा हो जाएगा, पूरा नरम हो जाएगा, उसको आप मिक्सी में डाल के पीस लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा, उससे बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा, जो कि मैंने नहीं किया है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो जो भी हो, उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लू ऐड किया है, और ग्लू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लिया है। भून लेने के बाद मैंने हार्ट का शेप देना स्टार्ट कर दिया है। हार्ट का शेप देने के बाद हमको ये ड्राई होने के लिए 2 to 3 days के लिए रख देना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद मैंने जो किया, या इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा ऊबर खबर आया था, तो मैंने क्या किया, जो टिश्यू पेपर होता है उसके उसको मैंने ग्लू और पानी लेकर उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। मैंने अगर वहाँ पर मिक्सी में वो भून लेता तो ये करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो क्या कर सकते हैं, अभी कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको कलर कर दिया है। बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है।
तो गाइस ये रहा इन रिजल्ट, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना। रुको रुको, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से टैप करो और देख लो।